फेस वॉश मिस्टेक से आपकी स्किन बहुत सफ़र कर रही है, बहुत डैमेज हो रही है, आपको आज इन चीज़ों को रोकना होगा। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जो आज मैंने आपको बताई। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ट्यूटोरियल्स। इफ यू न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द रेड बटन बिलो। सो गाइस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ फेस वॉश दैट कैन लिटरली रून योर स्किन और कैन बेटर योर स्किन। ठीक है, तो आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये गलती अगर आप कर रहे हो ना तो आपकी स्किन बुरा असर पड़ता है एंड आपकी जो स्किन है वो खराब ही रहती है एंड इम्प्रूव नहीं होती। बट अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे देन आपकी जो स्किन है वो बहुत जल्दी क्लियर भी होगी, क्लीन भी होगी एंड साथ में आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी ठीक होगी। सो दिस इज द स्टेप दैट वी आर डूइंग फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है वो है कि क्या आपको पता है कि हमारी स्किन के ऊपर गुड बैक्टीरिया नाम की चीज होती है? नहीं पता ना? नहीं, आई विल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया ऑन योर स्किन एंड इट्स बेनिफिट्स व्हेन यू इंटीग्रेट इनटू योर डेली स्किन केयर। वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, कोई भी स्टेप ना छूटे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी। तो हम पानी के साथ ही करते हैं, बट कौन से पानी के साथ करें? ठंडे, गर्म या लुकवार्म वाटर, और इनके क्या ही मतलब है? चाहे गर्म से कर लो, चाहे ठंडे से कर लो, कोई फर्क पड़ता है? जरूर पड़ता है, जानिए कैसे। गर्म पानी से फेस वॉश कर रहे हो तो ये जान लो, Washing your face with hot water can suck the moisture out of your skin, leaving it dry and possibly irritated, so don't wash with it. So, गर्म पानी से फेस वॉश नहीं करना है। और किस पानी से फेस वॉश करना है? या तो ठंडा पानी यूज करो जो कि नॉर्मल घर में आता है, या फिर आप हल्का सा लुकवार्म वाटर यूज कर सकते हो जो कि ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म। एंड दूसरा बड़ा सवाल ये होता है कि कितनी बार फेस वॉश करो। एक लड़की ने तो मुझे बोला कि मैं तो 5 बार फेस वॉश करती हूँ। तो भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप दिन में 5 बार फेस वॉश कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको दिन में कितनी बार फेस वॉश करना चाहिए। सो पहली बार आपने करना है सुबह उठ के, दूसरी बार आपने करना है रात को सोने से पहले, या फिर आप शाम को भी कर सकते हो जब आपको पता है कि आप घर से बाहर नहीं जाने वाले। फेस वॉश कर सकते हो 3 बार इसलिए क्योंकि अगर आपकी बहुत ज्यादा फेस के ऊपर स्वेट आ रहा है, बहुत ज्यादा आपके फेस के ऊपर डर्ट लग रही है, पोल्यूशन लग रहा है, तो आप बाहर से आके सीधा अपना फेस वॉश कर सकते हैं। तो टोटल कितनी बार हुआ? 3 बार। सो आप 3 बार फेस वॉश कर सकते हो दिन में, इससे ज्यादा नहीं। एंड थर्ड थिंग इज यूजिंग राइट क्लींजर एंड फेस वॉश फॉर योर स्किन। अच्छा, वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो कि अपने फेस को वॉश करने के लिए सोप यूज करते हैं एंड बहुत ज्यादा फोमिंग फेस वॉशेस यूज करते हैं। आप बोलोगे दीदी अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज करती हैं, साथ में आपकी जो स्किन के ऊपर गुड बैक्टीरिया होता है एंड साथ में नेचुरल ऑयल्स होते हैं उन्हें भी डैमेज करता है। एंड आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं आपकी स्किन के ऊपर रहना, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो नेचुरली मॉइस्ट रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को एक राइट फेस वॉश दो। फेस वॉश चूज करने से पहले आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो आपके स्किन बैरियर को डैमेज नहीं कर रहा, बिकॉज स्किन बैरियर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है जो कि हमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बचाता है, एंड सेकेंड कि वो आपके स्किन के गुड बैक्टीरिया को भी डैमेज ना करे। सो गुड बैक्टीरिया आपकी स्किन के सेबम को कंट्रोल करता है, नेचुरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड हार्मफुल बैक्टीरिया से भी फाइट करता है ताकि आपको स्किन प्रॉब्लम्स ना हो। सो अगर आप स्किन माइक्रोबियोम मतलब कि गुड बैक्टीरिया से इनबैलेंस करते हैं या फिर छेड़छाड़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को या तो एक्ने देता है, सेंसिटिव स्किन टाइप देता है, या फिर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है। सो आई लर्न दिस इनसाइट थ्रू माई पार्टनरशिप विद स्किन केयर ब्रांड ऑनेस्ट स्टोरी। दे आर इंडियाज फर्स्ट स्किन केयर ब्रांड ऑन स्किन माइक्रोबियम research. So I tried their known foaming face wash which doesn't damage good skin bacteria. So it's a moisturizing face wash and doesn't overstrip skin oils and which is good for your both oily and dry skin. So this face wash also helps in balancing skin oils.
इट्स द मोस्ट जेंटल फेस वॉश इन द इंडियन मार्केट एंड इट्स मेड अप ऑफ क्लीन इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल एंड हैव नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स। तो फेस वॉश यूज़ करने से पहले अच्छे से अपने फेस को मैं वेट कर लूँगी विद नॉर्मल वाटर एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ करूँगी नॉन फोमिंग फेस वॉश फ्रॉम ऑनेस्ट स्टोरी। सो ये फेस वॉश बहुत जेंटल रहता है स्किन के ऊपर एज यू गाइस कैन सी एंड इसका जो फॉर्मूला है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग राइट अमाउंट एंड जेंटल क्लेंजर फॉर माय फेस एंड रिमेंबर देयर आर टू थिंग्स इन दिस फेस वॉश विच प्रिवेंट डैमेज टू गुड बैक्टीरिया। फर्स्ट नंबर इज इट्स नॉन फॉर्मिंग जेंटल फॉर्मूला एंड नो हार्श प्रिजर्वेटिव्स। सो 60-second रूल ऑफ फेस वॉश को यूज़ करते हुए मैंने 60-second तक अच्छे से क्लीन किया अपने फेस को ओनली फॉर 60-second एंड पूरे अपने फेस को नेक को नहीं भूलना एंड साइड लॉक्स को भी अच्छे से क्लीन करना है। आफ्टर दैट आपने वाटर के साथ वॉश कर लेना है एंड सॉफ्ट आल लेके डैबिंग मोशन में अपने फेस को क्लीन करना है एंड आप रिजल्ट देखो कितना ज़्यादा अच्छा आया है। सच में यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आफ्टर फेस वॉश मेरी जो स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट फील नहीं हो रही, लुक कितनी ज़्यादा नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज्ड लग रही है। कुछ फेस वॉश यूज़ करते ही हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई लगनी शुरू हो जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है एंड इवन यू गाइस कैन सी दिस नेचुरल ग्लो ऑन माई फेस। तो मुझे तो ये फेस वॉश सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई एम यूजिंग इट रेगुलरली। सो इफ यू गाइस लाइक दिस प्रोडक्ट यू गाइस कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल दी लिंक्स। And resist the urge to dry your face with the family hand towel that's been hanging over the rack for several days. Bacteria can breed on the towel and be transferred to your clean and dewy face. So, rub bhi nahi karna apne face ko, clean towel use karna hai, apna individual towel rakh lo, jo ki bilkul clean rahe. So guys, that's it for today. Hope कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सो हाँ, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चल बाय, लव यू ऑल।